हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी बज रहे सुबह के 9:30 और मैं बना रही हूँ खाना। तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ सेव टमाटर की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैं पहले कट कर लूँगी टमाटर को और फिर बनाऊँगी मैं सब्ज़ी। और मैंने आटा भी लगा कर रख दिया है। और मेरी दोनों बेटियाँ अभी सो रही है। ये मतलब काफ़ी लेट उठती है दोनों, क्योंकि रात को भी 12 बजे ये सोती है और सुबह ये बहुत ही लेट उठती है। मतलब कभी कभी 10, 10:30 भी बज जाते हैं। तो अभी तक वो सो रही है, तब तक मैं सोच रही हूँ मैं खाना बना लेती हूँ। तो बस क्या है कि वो छोटी उठने के बाद फिर मुझे काम करने नहीं देती है। तो जब तक वो सोती है तब तक मैं मेरा काम हो जाता है काफ़ी। तो बस मैं पहले सब्जी और रोटी बना लूँगी, फिर मैं उन दोनों को उठाऊँगी और फिर बनाऊँगी मैं चाय। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। और मैं सब्ज़ी बनाई रही थी और मेरी छोटी वाली बेटी उठ गई थी। वैसे बड़ी वाली भी इसके साथ ही उठ गई थी, लेकिन फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा नखरे कर रही है उठने के लिए। तो ये उठती है ना तो सुबह मुझे इसको देखकर काम करना पड़ता है, वरना मुझे थोड़ा तंग करती है। मैं चाय बना रही हूँ तो आप देख सकते हो मैं इसे उठा रही हूँ, लेकिन ये उठ नहीं रही है क्योंकि ये सब सो जाते हैं लेकिन ये नहीं सोती है। पता नहीं इसको क्या हो रखा है, काफी लेट तक सोती है। नजी जी नूटा नाम जा नजी जी उठ जी नूटा मैडम जी उठो। और यहाँ पर फिर से आ गई मैं किचन में, क्योंकि मुझे बनानी है अभी चाय। और मेरी दोनों बेटियाँ उठ गई इसलिए, और जब वो बड़ी वाली तो उठती है ना तो उसको पहले उठते ही चाय लगती है। तो वो मतलब उठते ही उसको पता नहीं मैं कितना समझाती हूँ फिर भी उसको वो बोल नहीं देती मुझे कि चाय पीना है। और बस मैं ये यहाँ पर चाय बना रही हूँ और साथ साथ में सब्जी भी बन रही है और फिर मैं बनाऊँगी रोटी। और देखो ये उठ गई ये दोनों, मतलब मैं इसको लेके खड़ी थी ना इसकी वजह से ये नहीं उठ रही थी। इनमें दोनों का ये लगा रहता है, मैं एक को लेके खड़ी रहती हूँ ना तो दूसरा मुझे नखरे दिखाने लग जाती है, तो मुझे दोनों को लेना पड़ता है। तो बस यहाँ पर आप देख सकती हो चाय हमारी बन गई है और साथ में है आलू का पराठा। तो बस आप भी आ जाइए। और ये देखो रिमोट लेके खड़ी है, दे ही नहीं रही मुझे, मैं मांग रही हूँ तो ये आगे आगे दौड़ रही है, आप देख सकते हो। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं नाश्ता और आप भी आ जाइए नाश्ता करने के लिए। तो यहाँ पर मेरा खाने का सारा काम हो गया था और मैं लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि मुझे अभी लगाना है पोछा। और मैंने यहाँ पर दोनों बेटियों को भी खाना खिला दिया था और मैंने भी खा लिया था। और पोछा मैं हमेशा खाना खिलाने के बाद में ही लगाती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना तो सारा बिखेर के रख देते हैं वापस, तो उसी की वजह से मैं बाद में ही लगाती हूँ जबकि बच्चों को सुलाने का टाइम होता है तब, और खाना खिला के। और बस तो यहाँ पर मैं लगा दूँगी झाड़ू। और देखो मेरी बेटी बाहर भाग गई है, मतलब मैं दरवाज़ा 2 मिनट के लिए भी खोलती हूँ ना तो ये बाहर चली जाती है। और अभी थोड़ा सा धूप आ रखा था तो उसकी वजह से मैंने इन दोनों को बाहर ही बिठाया था। और अभी ये लोग बाहर खा रहे हैं अनार, क्योंकि आए थे फ्रूट वाले भैया आए थे एक बार बेचने के लिए, तो मैं गई थी बाहर। वैसे मैं बहुत कम लाती हूँ फ्रूट क्योंकि खाता भी नहीं है कोई,
तो उसकी वजह से। और आज मूड हो रखा था मेरी बेटी का, तो बोला कि मुझे खाना है, तो मैं वहाँ बाहर ही आए थे तो मैं लेके आ गई, तो मैंने उनको छिलके दिया है, वो खा रहे दोनों। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ पोछा, तो पोछा वैसे दिन में 2 बार लग जाता है, 1 12 बजे और 1 रात को 9:30 बजे खाना खाने के बाद में, क्योंकि मैं नीचे सोती हूँ और फिर मैं रात को खाना खाने के बाद में पोछा लगा कर फिर ही बिस्तर वगैरह लगाती हूँ, तो बस उसी की वजह से दिन में 2 बार पोछा लग जाता है। और बच्चे होते हैं ना तो 2 बार क्या 3 बार भी लग जाता है कभी कभी तो, क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ बिखेरते रहते, कहीं पानी गिरा देते कहीं कुछ और, तो उसकी वजह से। और मैं जब भी पोछा लगाती हूँ ना तो मेरी दोनों बेटियाँ मतलब मेरा कोई मतलब ही नहीं रखते पोछा लगाने का, क्योंकि वो है ना बड़ी वाली बेटी मतलब जान बूझ कर नीचे आती है और छोटी वाली को भी बुलाती है और बोलती है टीना नीचे आ जाओ मम्मी पोछा लगा रही है हम पैर करेंगे, और वो फिर दोनों बहुत ही इंजॉय करते हैं जब भी मैं पोछा लगाती हूँ। और ये कुछ पिक्चर्स है जो मैंने मेरी बेटी को ड्रेस सिलाए तो उसने पहन रखा था, तो उसी के मैंने पिक्चर्स क्लिक किए, मैंने दोनों के लिए सेम ड्रेस ही बनाया है। वैसे छोटी वाली के लिए कपड़ा थोड़ा कम पड़ गया था तो मैंने उसको फ्रिल लगा दिया है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यही एंड करती हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा।